तो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस बेसिकली कुछ नंबर्स के ग्रुप होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल पे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर रूल पे है। अगर मैं पूछूं कि 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप बता सकते हैं, जैसे 9 के बाद 11 आएगा, और फिर अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या आएगा तो आप बता सकते हैं 13 आएगा। तो ये नंबर पर्टिकुलर रूल पे हैं, इसलिए इन्हें सीक्वेंस कहा जाएगा। इस टाइप के नंबर को, ऐसे जितने भी नंबर पर्टिकुलर रूल पे होंगे, हर एक नंबर को सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। सीक्वेंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके आगे की टर्म हम बता सकते हैं, खुद डिफाइन कर सकते हैं कि आगे क्या आने वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ट्राई करूं अगर कुछ एक सीक्वेंस लिखने की, 1, 4, 9, 16, देन 25, और मैं आपसे पूछूं 25 के बाद क्या आएगा, कौन सी 25 के बाद वाली टर्म कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे 25 के बाद 36 आएगा। अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या आएगा तो आप बोलेंगे 49 आएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, नंबर इन ए पर्टिकुलर रूल। अगर नंबर किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया, ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49 हो गया, तो ये भी एक सीक्वेंस है। देन हमारा आता है सीरीज। तो अगर नंबर्स के सीरीज क्या होता है, हम लिखते हैं सीरीज। सीरीज बेसिकली ये जो नंबर सीक्वेंस में है, अगर उनके हर एक टर्म को एडिशन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसी को हम सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक सीक्वेंस है, तो अगर हम इसे 1+3+5+7+9+11+13 इस फॉर्मेट में लिख देते हैं, इससे आगे डैश डैश लिख देते हैं, तो ये सीरीज बन जाती है। उसी तरह से 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 भी एक तरह से सीक्वेंस है। तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं 1+4+9+16+25+36……TN बेसिकली डिनोट करता है एंथ टर्म। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी किस फॉर्म में होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहने का क्या मतलब होता है, अगर कुछ नंबर इस तरह से अरेंज हैं, इस ऑर्डर में हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस टू, सिमिलरली हमेशा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा टू आता है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। इसी तरह से और भी ले लेते हैं, जैसे कि 7, 11, 15, 19 और 23, तो इस तरह से अगर आगे बढ़ जाए तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का 4, इन दोनों के बीच का 4, तो यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम इसे भी कहेंगे कि ये जो नंबर्स दिए गए 7, 11, 15, 19, 23, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बस इतना ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये था कि ऐसे नंबर जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे नंबर्स आते हैं जिनके बीच का एक नंबर्स का सेट, जिनके दो नंबर के दो करेस्पॉन्डिंग नंबर के बीच में अगर कॉमन रेशियो सेम होता है तो उसे हम बोलेंगे कि ये नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 8, 16, then 20, तो ये कुछ नंबर्स अगर मैंने लिख लिया, तो इन नंबर्स के बीच में अगर हम देखते हैं दो करेस्पॉन्डिंग नंबर के रेशियो हम निकालते हैं। जैसे इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें 2/1, इन दोनों का रेशियो निकालें 4/2, इन दोनों का रेशियो निकालें 8/4, इन दोनों का रेशियो निकालें 16/8, इन दोनों का रेशियो निकालें 20/16, दो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमेशा वो सेम आएगा। जैसे इतना ये भी 2/1=2, 4/2=2, 8/4=2, 16/8=2, सिमिलरली डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 आएगा। तो हमेशा दो नंबर के बीच का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर है, ये नंबर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट है एचपी।
एचपी बेसिकली कुछ नंबर्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका अगर हम रिवर्स कर देंगे, अगर एक सेट है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर हम उनके हर एक टर्म को रिवर्स कर दें तो जो सीक्वेंस बनता है उसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या एचपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये किसमें है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अगर हम इसके हर एक टर्म को रिवर्स कर दें तो हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है, जैसे 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13। तो हर एक टर्म को हमने रिवर्स कर दिया तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बन जाता। तो आई होप आप बेसिक्स इसके बारे में जान चुके होंगे कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है और एचपी क्या होता है। अब हम इसके डिटेल लुक में चलेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डील करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिनके दो करेस्पॉन्डिंग नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि इनके दो टर्म का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। अब इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना पाए कोई भी एपी जनरली किस फॉर्म में होगी, तो अगर हम इसके पहले टर्म को ए मान लें और जो कॉमन डिफरेंस है जो हमेशा रिपीट कर रहा है वो डी मान लें, तो हो क्या रहा है? देखिए, अगर पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस हम ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। जैसे इस वाले केस में 1 और 3 में कॉमन डिफरेंस 2 है, अगर हम पहले वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। सिमिलरली अगर 3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे रहे हैं तो 9 आ रहा है। इसका मतलब एपी में क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरा सीक्वेंस, पूरी सीरीज आप लिख सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम एक एपी सपोज कर लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, जैसे यहां, या सपोज कर लेते हैं, यही मान लेते हैं, अगर पहली टर्म ए है और इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है तो एपी क्या बनेगी? 1 में 2 ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, सिमिलरली ऑल। तो हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म में कोई भी आप उसका टर्म लें, उसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म को ए मान लें तो उसमें पहली टर्म इसकी ए हो जाएगी, और अगर उसमें एक बार डी ऐड कर देंगे तो उसमें ये सेकेंड टर्म हो जाएगी कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद, इसमें फिर से अगर ऐड कर देंगे डी तो थर्ड टर्म आ जाएगी ए प्लस 2d, इसमें अगर फिर से हम डी ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी ए प्लस 3d, इसमें अगर फिर से हम डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 4d आ जाएगी। हो क्या रहा है, ये पहली टर्म है, एक बार ये डी ऐड करने पर ये सेकेंड टर्म बन रही, फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए 2 बार हमें डी ऐड करना पड़ रहा है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 बार डी ऐड करना पड़ रहा है, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए 4 बार डी ऐड करना पड़ रहा है, फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 बार ऐड करना पड़ रहा है, और पांचवी वाली टर्म निकालने के लिए 4 बार ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको nth टर्म निकालना है, nth टर्म जिसको tn बोला जाता है, यानी अगर हमें tn फाइंड करना है तो tn की जो वैल्यू होगी वो, अगर सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो 1 बार डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो 3 बार डी ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो 4 बार डी ऐड कर दो, nth टर्म फाइंड करना है तो देखिए हर एक बार 3, 3-1 2d, 4, 4-1 3d, 5, 5-1 4d, इसका मतलब जो भी टर्म हमें फाइंड करनी उससे एक कम 1 माइनस करके उसका जो मल्टीपल है d के साथ मल्टीप्लाई करके a में ऐड कर दें। तो वैसे ही यहां पे अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो n से 1 माइनस, यानी n-1 को d में मल्टीप्लाई करके a में ऐड कर दें तो हमारी nth टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को फाइंड करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाता है जिससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड करेंगे। nth टर्म का क्या मतलब होता है? अगर कोई सीरीज है, अभी हमने पहले सीरीज के बारे में पढ़ा था, सीरीज क्या होता है,
सीक्वेंस के हर एक टर्म को अगर एडिशन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो सीरीज कहलाती है। सीक्वेंस के हर एक टर्म को अगर एडिशन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो सीरीज कहलाती है। जैसे हमने बताया था एग्जांपल के तौर पे 1, 3, 5, 7 एक सीक्वेंस है, इनको अगर सम के फॉर्म में लिख दिया जाए तो सीरीज कहलाता है। और सीरीज का कौन सा पार्ट कहलाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज तीन टाइप की होती है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस को अगर हम एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं उसके हर एक टर्म को तो वो सीरीज कहलाता है। अच्छा, लेकिन एक टर्म आएगी यहां पे एंथ टर्म। हम सबसे पहले हम एक बार कोशिश करते हैं सीरीज का एंथ टर्म फाइंड करने की। जैसे ये सीरीज है, कोई भी सीरीज अगर हमें दे दिया जाए तो उसका एंथ टर्म कैसे निकलेगा? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये एक सीरीज है, इसका एंथ टर्म कैसे फाइंड किया जा सकता है? तो हम कहेंगे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। कुछ कॉमन देखते हैं क्या हो रहा है। पहली टर्म निकालना है तो 1 है, दूसरी टर्म निकालना है तो 3 है, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सबट्रैक्ट कर दो आ जाएगा। तीसरी टर्म निकालना है तो 5 है, यानी 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सबट्रैक्ट कर दो तो 5 आ जाएगा। फोर्थ टर्म निकालनी है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 सबट्रैक्ट कर दो, फोर्थ टर्म 7 आ जाएगी। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म एंथ टर्म, एंथ टर्म क्या होगी? तो हम रूल यहां से देखेंगे। फोर्थ टर्म निकालना था तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 सबट्रैक्ट किया, 7 आ गया। फिफ्थ टर्म निकालना था, 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 सबट्रैक्ट किया, 9th टर्म आ गया। इसी तरह से अगर हमें एंथ टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे? n में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सबट्रैक्ट करेंगे, एंथ टर्म आ जाएगी। तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी एंथ टर्म Tn इज इक्वल टू 2 times of n minus 1। इसकी एंथ टर्म क्या है? 2n minus 1। एंथ टर्म क्या है? 2n minus 1। और देखते हैं इसी तरह से, नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25, 36 and so on। तो इसकी भी हम nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इस सीरीज की भी। ये सीरीज है, इसकी भी सीरीज एडिशन के फॉर्म में होती है, सीक्वेंस को हम एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो सीरीज कहलाती है। तो इसकी भी हम nth टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं जनरल रूल से। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ और देन सिक्स। तो हो क्या है? पहली टर्म 1 square, दूसरी टर्म 2 square, तीसरी टर्म 3 square, फोर्थ टर्म 4 square, फिफ्थ टर्म 5 square। अगर मैं आपसे पूछू एंथ टर्म क्या होगी, टी एन बोले तो एंथ टर्म क्या होगी? एंथ टर्म इज इक्वल टू एन स्क्वायर। जिस टर्म को हमें फाइंड करना है उसका स्क्वायर करते हैं, nth टर्म फाइंड करना था n स्क्वायर। तो ये हो गया nth टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है nth टर्म ऑफ सीरीज? इसका यूज है। अभी हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने लिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है। ये a प्लस डी, ये पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। यहां पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, और डी कॉमन डिफरेंस है। तो इसका जनरल फॉर्मेट आता है एबी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, a प्लस डी सेकेंड टर्म हो जाती है, a प्लस 3d थर्ड टर्म हो जाती है, a प्लस 3d फोर्थ टर्म हो जाती है, a प्लस 4d फिफ्थ टर्म हो जाती है। तो हम कह रहे थे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और इसी तरह से आगे जाके कहीं एंथ टर्म मिलेगी, इसी तरह से आगे जाके कहीं एंथ टर्म मिलेगी। अच्छा, तो एंथ टर्म किस फॉर्म में होगी? तो देखते हैं, अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, यानी एक बार डी एड कर दिया, थर्ड टर्म में क्या हुआ है? 2 बार डी एड कर दिया, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में क्या हुआ है? 3 बार डी एड कर दिया। तो एंथ टर्म में क्या होगा? n-1 टाइम डी एड कर देगा। कहां पे? a में।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा nth टर्म ऑफ एपी। ये जनरल फॉर्मूला है, हर एक वेरिएबल से डिफाइन किया गया है, जनरल फॉर्मूला है, तो ये सबके लिए अप्लीकेबल होगा, हर एक एपी के लिए अप्लीकेबल होगा कि उसकी जो nth टर्म होगी वो a प्लस एन माइनस वन डी होगी। नाउ अब जरा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पहले क्या होगा अगर इसके सारे टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक कांस्टेंट ले लेते हैं सी, हर एक टर्म में ऐड कर देते हैं, जैसे ए प्लस सी कर दें, d प्लस सी कर दे, a प्लस टू डी प्लस सी कर दे, a प्लस थ्री डी प्लस सी कर दे, और इसी तरह से nth वाले में a प्लस एन माइनस वन डी प्लस सी कर दे, हर एक टर्म में अगर c ऐड कर दे तो क्या होगा, क्या ये स्टिल ap रह जाएगी। देखते हैं, ap होने के लिए जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, a प्लस डी प्लस सी माइनस a माइनस सी, सी से सी कैंसिल, a से a कैंसिल, बचा d। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, a प्लस टू डी प्लस सी माइनस a माइनस डी माइनस सी, सी से सी कैंसिल, a से a कैंसिल, वन डी में से टू डी में से वन डी माइनस हो जाएगा, एक डी बचेगा, फिर आ गया d। यहां भी d आया था, यहां भी d आया था, इसके बाद अगर सबट्रैक्ट करेंगे फिर d आएगा, इसके बाद अगर सबट्रैक्ट करेंगे फिर d आएगा। इसका मतलब कोई कांस्टेंट नंबर अगर हम एपी में ऐड कर दें, अगर हम एपी में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो वो स्टिल एपी ही रहती है और उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है जो पहले एपी का था। यानी ये हो गया कि अगर हम कोई एपी लेते हैं, जैसे ये एपी है, वन है, थ्री है, सेवन है, वन है, थ्री है, सेवन, फाइव है, सेवन है, नाइन है, इलेवन है, ये एक एपी है, और ऐसे फर्दर एंथ तक जाएगी टीएन, ये एक एपी है। इसके हर एक टर्म में अगर सपोज करते हैं टू ऐड कर दिया जाए, तो टू ऐड कर दिया जाए तो ये टू ऐड करिए तो ये थ्री हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, सेवन हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा, इस तरह से। अगर टू ऐड कर दे, हर एक टर्म में टू ऐड कर दे तो नई वाली एपी ये बन जाएगी। फर्स्ट एपी ये थी, अगर हर एक टर्म में टू ऐड कर दिया जाए तो नई एपी ये बन जाएगी। हम देखते हैं स्टिल ये एपी ही है, पहले भी एपी था, अब भी एपी है, यानी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एपी के हर एक टर्म में कोई कॉन्स्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो एपी ही रहती है, और इसका कॉमन डिफरेंस वही कॉमन डिफरेंस होता है जो पहले वाले का था, पहले वाले का भी टू था, इसका भी टू ही। प्रॉपर्टी सेकेंड, तो प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है, प्रॉपर्टी सेकेंड को हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कोई एपी है उसके हर एक टर्म में किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या वो स्टिल एपी रह जाती है या किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है, देखते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल, या हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, वन फाइव नाइन थर्टीन इलेवन, ये एक एपी है, एंथ टर्म तक जाएगी, डैश डैश डैश, ये एक एपी है। अगर इसके हर एक टर्म में कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं टू से मल्टीप्लाई कर देना, तो वन इंटू टू, फाइव इंटू टू, नाइन इंटू टू, थर्टीन इंटू टू, इलेवन इंटू टू, डैश डैश डैश, तो ये टू हो जाएगी, टेन हो जाएगी, और ये 9 टू जो 18, 13 टू जो 26 और 11 टू जो 22। तो क्या ये अभी भी एपी है, चेक करते हैं। एपी होने के लिए बस इतनी सी कंडीशन मायने रखती है कि हर एक टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे इसका डिफरेंस कितना था, 4, इसका भी 4, इसका भी 4, और सेम यहां भी 4। तो यहां पे चेक करते हैं, इधर डिफरेंस 8 है, इधर भी डिफरेंस 8 है, इधर भी डिफरेंस 26 था, इधर भी डिफरेंस 8 है, इधर भी डिफरेंस, सॉरी माई मिस्टेक, 17, यहां पे भी डिफरेंस 8 है। तो यहां भी हर एक दो टर्म के, दो करेस्पॉन्डिंग टर्म के बीच का डिफरेंस सेम था, यहां भी दो करेस्पॉन्डिंग टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। तो हुआ क्या कि हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम ये कह सकते हैं कि किसी एपी के हर एक टर्म में अगर हम किसी कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो स्टिल एपी ही रहती है। और
चेंज क्या आता है, चेंज बस इतना सा आता है कि पहले एपी में जो कॉमन डिफरेंस था वो कॉमन डिफरेंस अब नीचे नहीं रह जाता, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता है, डी इंटू आर, वेयर डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ इनिशियल एपी, जो पहले हमारी एपी थी उसका कॉमन डिफरेंस, यानी डी की वैल्यू यहाँ 4 होगी जो पहला था, पहले था। और आर क्या होता है, आर वो मल्टीप्लिकेटिव नंबर होता है जिससे हमने उसके हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे हमने हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आर भी यहाँ पे 2 होगा, 4 इंटू 2 8। तो इस तरह से नई वाली जो एपी बनेगी उसके हर एक टर्म में मल्टीप्लीकेशन 2 से मल्टीप्लीकेशन। हेलो फ्रेंड, अब हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं एपी जीपी की, एपी की तीसरी प्रॉपर्टी जो कि डिवीजन है। तो डिवीजन में क्या है कि अगर कोई हमें सीक्वेंस दे रखा है उसकी हर एक प्रॉपर्टी को हम किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी कॉमन नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं, हर एक टर्म को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बन के आएगा वो भी हमारा एपी ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं कि एक एपी हमारे पास गिवेन है 4, 8, 12, 16 और 20, जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है, 4, 8, 12, 16 और 20 जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। अगर हम इसके हर एक टर्म्स को एक कांस्टेंट नंबर सपोज कर ले रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 आएगा, 16 को 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और इसी तरह से 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर एपी को कॉन्स्टेंट नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो नया हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है वो भी एक एपी है। इसका मतलब किसी भी एपी को कॉन्स्टेंट नंबर से डिवाइड करने पे हमें एक एपी ही मिलेगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई एपी की। बस इसमें चेंज क्या आता है, पहले एपी में डिफरेंस 4 था, दूसरे एपी में डिफरेंस 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो चेंज जाता है। और नया जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, अगर हम नए कॉमन डिफरेंस को D1 लेट कर ले तो नया कॉमन डिफरेंस, न्यू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू इनिशियल कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, डी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई आर। आर वो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, यानी हमारी जो नई एपी है उसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है सबट्रैक्शन। तो जैसे हमने एडिशन के बारे में पढ़ा था कि अगर हर एक टर्म एपी के हर एक टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए तो जो हमारा जो नया सीक्वेंस बनता है वो एपी ही होता है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। उसी तरह से सबट्रैक्शन के केस में अगर कोई हमारे पास एपी गिवन है उसके हर एक टर्म में से हम कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म सबट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमारा जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एपी ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक एपी हम कंसीडर कर रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये हमने एपी कंसीडर की। अगर इसके हर एक टर्म में से 2 सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 में से 2 सबट्रैक्ट करने पर -1, 3 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे 1 और 5 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। 2 सबट्रैक्ट करने पर एक्चुअली 1 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो -1, 3 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 1 और 5 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, 7 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा और 9 में से 2 सबट्रैक्ट करने पर 7 आएगा। हो क्या रहा है, पहले ये एपी थी, हर एक टर्म में से सबट्रैक्ट करने पर आ रहा है -1, 1, 3, 5, 7 एंड 9 यहां पे मैं लिख रहा हूं -1, 1, 3, 5, 7, 9 ये सबट्रैक्ट करने के बाद टर्म हमें मिल रही है। और हम देखने से पता चल रहा है दोनों के बीच का गैप 2 है, इसके बीच का भी गैप 2 है, इसके बीच का भी गैप 2 है, इसका मतलब ये भी एपी में। तो हमारा रिजल्ट ये है कि अगर हम किसी एपी में से हर एक टर्म में से कोई टर्म सबट्रैक्ट करेंगे, कांस्टेंट नंबर अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा एपी होगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा पहले वाले एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जैसे इस केस में। तो हमने जो चारों प्रॉपर्टी पढ़ी है अगर हम उसको एक बार कंक्लूड करें तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन, दूसरी मल्टीप्लीकेशन, तीसरी डिवीजन एंड चौथी सब्ट्रैक्शन, जिसमें क्या हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस जो है चेंज नहीं होता है और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है और इन चारों प्रॉपर्टी में जो नया सीक्वेंस बन के आता है वो भी एपी ही होता है।